फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा और प्रीति सुपर स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेक आईलैशेस का रिव्यू। आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे जल्दी से प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ पर है फेक आईलैशेस। ये है येमिक्स की फेक आईलैशेस 5 पेयर्स। इसमें 5 पेयर्स मिलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर पूरे यहाँ पर आपको आईलैशेस दिख रही होंगी। तो इस तरीके का इसका कुछ बॉक्स है और स्मॉल सा बॉक्स है और बहुत ही क्यूट बॉक्स है। और यहाँ पर पीछे इस पर लिखा हुआ है इसके जो डायरेक्शंस फॉर यूज है कि इसको आपको कैसे यूज करना है। और यहाँ पर पिक्चर्स भी दे रखे हैं, पिक्चर्स और डायरेक्शंस फॉर यूज कि यहाँ पर आपको इनको कैसे यूज करना है। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप स्टार्टिंग में आईलैशेस फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके डायरेक्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ से देख के भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इसका जो प्राइस है। इस पर ये जो बॉक्स है इस पर इसका प्राइस मेंशन नहीं है। तो इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज और इसको मैंने अमेजोन से मंगवाया है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं या जाके इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसके लिंक पे जाके देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इसका जो नंबर है वो है नंबर फाइव। ब्लैक कलर में है ये जो आईलैशेस हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर के आईलैशेस आप ले सकते हैं। ब्लैक या डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन या लाइट ब्लैक, तो बहुत सारे इसमें कलर्स आते हैं। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 13 तक इसमें कलर्स है। तो इन आईलैशेस का जो नंबर है वो है नंबर 5, बिकॉज मेरी जो आईलैशेस है वो भी बिल्कुल ब्लैक कलर में है। आप देख सकते हैं मेरे हेयर भी आपको दिखते होंगे, पूरे ब्लैक कलर में दिखते हैं। तो मेरी जो आईलैशेस है वो भी ब्लैक कलर में ही है, तो इसलिए मैंने नंबर 5 मंगवाया है। ये प्योर ब्लैक कलर, जब मैं इनको अप्लाई करूंगी तो मेरी आईलैशेस और ये फेक आईलैशेस दोनों सेम लगे, दोनों का कलर भी सेम लगे, थोड़ा सा भी डिफरेंट ना लगे कि मैंने फेक आईलैशेस लगा रखी हैं। तो दोनों कलर सेम लगना चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी आईलैशेस का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा कलर आपके आईलैशेस के साथ मैच करेगा, तो उस कलर को आप वहां से मंगवा सकते हैं। तो इसमें 1 से 13 तक कलर दे रखे हैं, तो लिंक पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो कलर है ये है ब्लैक कलर। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस पे डायरेक्शंस दे रखे हैं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आईलैशेस लगाना अभी आप शुरू कर रहे हैं या सीख रहे हैं और आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, इस पर डायरेक्शंस दे रखे हैं इसके लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉशन, डू नॉट रब और स्क्रैच योर आईज व्हाइल वेयरिंग फॉल्स आईलैशेस। आपको अपने आईज को बिल्कुल भी रब नहीं करना है या ऐसे ऐसे करके स्क्रैच नहीं करना है जब आप फॉल्स आईलैशेस लगा रखी होंगी आपने। If glue should go in the eyes, please rinse the eyes slowly with water. अगर इसका जो glue है वो अगर आपकी eyes में चला जाता है तो उसको आपको तुरंत ही आपको पानी से धो लेना चाहिए अपनी eyes को। और थर्ड है ये पैच टेस्ट शुड ऑलवेज बी कैरीड आउट बिफोर यूजिंग। और यहाँ पर ये जब मैंने मंगवाया था अमेजोन से तो इसके साथ यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ पिक्चर के साथ ग्लू भी दे रखा है कि इसके साथ आपको ग्लू भी मिलेगा, बट इसके साथ कोई ग्लू नहीं आया, कोई ग्लू मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने अलग से ग्लू भी मंगवाया है, तो उसका भी मैं बहुत ही जल्दी रिव्यू करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए जो ग्लू है वो एक अलग ग्लू आता है और बहुत ही अच्छा ग्लू होता है, तो हमें उसी ग्लू को यूज करना चाहिए बजाय किसी लोकल ग्लू को यूज करने की। तो इस आईलैशेस को मैं आपको ओपन करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो यहां से ये ऐसे ओपन होंगी, तो यहां से आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये सारी आईलैशेस दे रखी है। ये देखिए यहाँ पे 5 पेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर्स हैं ये देखिए। और बिल्कुल नेचुरल प्योर ब्लैक कलर है इनका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए। तो ये बिल्कुल मैंने अपने जो आईलैशेस हैं उनके कलर के अकॉर्डिंग मंगवा रखा है, तो आप भी देख सकते हैं उसी तरीके से आप भी मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे, यहाँ से मैं निकालकर आपको उसको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा अच्छे से चिपकी हुई है, यहाँ पर जब भी आपको इनको यूज करना है तो यहाँ से आप निकालकर इनको इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो इनको आप यूज कर सकते हैं कम से कम 2 टाइम्स। अगर आप इनको 1 टाइम जब यूज करते हैं उसके बाद अगर आप इनको अच्छे से क्लियर करके साफ करके रख देते हैं तो इनको आप 2 टाइम्स जरूर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो 5 पेयर्स हैं ये आपके बहुत आपके चल जाएंगे, बहुत टाइम आपके चल जाएंगे। तो इस तरीके से यहां से ये ओपन हो जाता है, ये देखिए। तो इसपे अभी ग्लू नहीं है, तो इसपे जो ग्लू मैंने मंगवा रखा है तो वो ग्लू यहाँ पर इसका जो बैंड है, तो जो बैंड है इसका यहाँ पर ये पूरा बैंड है और ये अच्छा बैंड है, एकदम बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट है। और जो आईलैशेस हैं ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे आईलैशेस हैं, देखिए एकदम नेचुरल लगेंगे आपको।
तो ये जो इनका बैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट बैंड है, तो यहाँ पर इसका जो ग्लू होता है वो इसके जो बैंड है यहाँ पर अप्लाई होता है, और उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे आईज पे यहाँ पर ऊपर इनको आप लगा सकते हैं। तो इनको थोड़ा आपको साइज के अकॉर्डिंग देखना होता है कि कितने साइज आपके लिए सूट करेगा आपके आईलैशेस पे, तो उसके अकॉर्डिंग इनको लगाना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी ट्यूटोरियल बना दूं कि हाउ टू अप्लाई फेक आईलैशेस को आप कैसे लगा सकते हैं, तो आप मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल बनाकर आपको दिखा दूंगी कि फेक आईलैशेस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कितने एकदम नेचुरल लग रहे हैं ये, और बहुत ही अच्छी है क्वालिटी भी इसकी, बहुत ही अच्छी है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे, मैंने काफी इसको सर्च किया तो ये मुझे बहुत पसंद आए, और जब मैंने मंगवाया तो ये रियली में बहुत ही सॉफ्ट है, जब आप इनको लगाएंगे तो बिल्कुल भी एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आपने फेक लगा रखा है, और बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है क्योंकि मैं इनको लगाकर देख चुकी हूँ। ये देखिए इस तरीके से है, जब आप इनको यूज कर लें तो उसके बाद आप वापस इनको यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे वापस से स्टिक हो जाते हैं पूरी तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर ये स्टिक हो जाती है देखिए, और वापस से आप इनको यूज करने के बाद वापस यहाँ पे लगा सकते हैं और इस बॉक्स को वापस से संभाल के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आई लैशेस है, और जो इनका जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, और प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप भी इनको मंगवाना चाहते हैं तो नीचे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, और वहां से जाके आप इनकी डिटेल पूरी देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।